आ जाइए जरा, करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर से। कह रहा था, एक बॉम्ब ऑफ मास एम इज थ्रोन एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज शोन। डायग्राम में दिखा रखा आपको, एट मैक्सिमम हाइट बॉम्ब एक्सप्लोड इन टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर बराबर पार्ट में टूटा। वन पार्ट कम्स टू रेस्ट मोमेंटरली, तुरंत ही एक पार्ट रेस्ट में आ गया है, ठीक। फाइंड रेंज ऑफ ईच पार्ट इफ रेंज ऑफ बॉम्ब विदाउट एक्सप्लोजन वाज आर। आइए समझते हैं कहानी को। देखो बेटा, बॉम्ब जो है बेटा यहां पर जाकर के एक्सप्लोड हुआ है दो बराबर पार्ट में। एक जो पार्ट है मोमेंटरली रेस्ट में, उस मोमेंट पर रेस्ट माने मतलब यहीं पर नहीं रुका रहेगा सदा, वो गिरना तो है ही ऑब्वियसली नीचे, ठीक है। उस मोमेंट के लिए, एक मोमेंट के लिए रुक गया, मैक्सिमम हाइट पर जाकर के काम हुआ है, ठीक। आ जाइए देखते हैं बेटा कैसे हम इसको टैकल करते हैं। देखो बालक, मैक्सिमम हाइट यहां पर सर, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा सर, दो बराबर पार्ट में टूटा है इस। अच्छा, जस्ट बिफोर आपका एक्सप्लोजन क्या होगा कहानी, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन फटने से जस्ट पहले आप कहेंगे मास एम है, इसकी वेलोसिटी होगी आगे की तरफ, और कितनी वेलोसिटी होगी मान लेता हूं मैं, आपने यू स्पीड से फेंका था, मेरे आंसर आर के टर्म्स में आने चाहिए, कोशिश में ही करेंगे, आर हो थीटा हो इन सब के टर्म्स में आ जाए। तो इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, आप कहेंगे मैक्सिमम हाइट पर तो सर केवल एक्स डैश में वेलोसिटी होती है, और वो कितनी होती है, केवल यू कोस थीटा बचती है, एग्री हो? आप कहेंगे हाँ बात तो सही है सर। ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल की इंटरनल? आप कहेंगे ऑब्वियसली इंटरनल फोर्स है, बॉम्ब तो इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड होते हैं, एग्री? हाँ जी सर। तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स है कोई? सर नेट फोर्स तो होगा नहीं? होगा सर। एम जी बाहर से, एम जी बेटा ठीक है, एम जी किधर है, नीचे की तरफ होगा एम जी तो? हाँ एम जी नीचे की तरफ होगा, ये यहां पर एक्सप्लोड होता है। तो बेटा जरा ठीक है, एम जी है, एक्सटर्नल फोर्स है, मैं एटलीस्ट एक्स एक्सिस में तो आपका मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, एक्स एक्स में तो कोई फोर्स नहीं है? आप कहेंगे हाँ सर, एक्स एक्सिस में कोई नेट फोर्स नहीं है बाहर से, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस बोल सकता हूँ जीरो? आप कहेंगे हाँ ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है एक्स एक्सिस में तो मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ जी सर, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अभी और दिल की तसल्ली के लिए ये लो बेटा, एक्स एक्सिस का तो कर ही सकता हूँ, वाई में तो आपको दिख गया कि एम जी नीचे की तरफ, मत करो वाई में, एग्री? चलिए तो बेटा एक्स डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू आपका एक्स डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? आप कहेंगे बिफोर कोलिजन की कहानी ये रही सर, मास था एम और पूरे की वेलोसिटी थी यू कोस थीटा, एग्री? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल एग्री। आगे बढ़िए, आफ्टर एक्सप्लोजन बाद का मोमेंटम, ठीक है बेटा, आफ्टर आफ्टर एक्सप्लोजन मास के हो गए बेटा दो हिस्से, इक्वल पार्ट्स हैं, तो एम बाई टू इस वाले का भी और दूसरे का भी एम बाई टू, एग्री? आप कहेंगे हाँ जी सर। इनकी सर वेलोसिटी दोनों मासेस की, पहले की वेलोसिटी कितनी होगी? आप कहेंगे क्वेश्चन में दिया है सर, मोमेंटरली रेस्ट में आया, उस मोमेंट पर रेस्ट में आया एक मोमेंट के लिए, बाद की बाद में सोचेंगे, जस्ट बिफोर द कोलिजन आपका एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, सॉरी एक्सप्लोजन। तो एम बाई टू इंटू जीरो, एक पार्ट तो रेस्ट में आ गया, दूसरा पार्ट सर कुछ वेलोसिटी जा रहा हो, कितनी जा रहा होगा नहीं पता, मान लो उसकी वेलोसिटी कुछ ही मान लीजिए, आप ये लीजिए बेटा यू टू मान लेता हूं, लो बेटा ये यू वन तो जीरो, यू टू या वी 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 वन जो भी आपको मन करे मान सकते हो, ये वाला टर्म तो सर मारा गया, इसके तो कहने खत्म, ये तो जीरो हो गया बेटा। इधर आ जाइए, एम यू कोस थीटा बराबर रहेगा एम बाई टू यू के, यू टू के एम से एम मारा गया, हाँ जी सर। यू टू कितना आ गया? आप कहेंगे ये आ गया सर टू यू कोस थेटा, एग्री बेटा? जो सेकंड पार्ट है उसकी जो वेलोसिटी है एक्सप्लोजन के बाद वो डबल हो गई है जितनी पहले थी, यहाँ तक की बात है। मेरे ख्याल से तो हर बच्चे को बड़े अच्छे समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली कहानी है नहीं, ठीक है। चलिए सर हमें रेंज फाइंड करनी थी, ठीक है बेटा, मैक्सिमम हाइट पर यह काम हुआ है तो बेटा पक्की बात है मैक्सिमम हाइट पर ये काम हो, तो ये वाली दूरी कितनी होगी आर बाई टू। जो पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट वो तो यहीं पे एक मोमेंट के रेस्ट में आया, अब तो केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ गिराएगा, नीचे की तरफ और ये जाके यहां गिरने वाला है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट की तो रेंज हमें पता लग चुकी कितनी आर बाई टू, रेंज ऑफ फर्स्ट पार्ट, इसमें तो कुछ नहीं सोचना, इज नथिंग बट आर बाई टू,
एग्री? आप कहेंगे हाँ ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड पार्ट की रेंज, चलिए रेंज ऑफ सेकंड पार्ट की हम कैलकुलेट करते हैं। लेट इट बी दिस इज आर वन नाम देता हूँ थोड़ा, ठीक है बेटा। रेंज ऑफ सेकंड पार्ट विच इज नथिंग बट आर टू बोल देता हूँ, उसको कैलकुलेट करते हैं हम। कैसे कैलकुलेट करें एक बात बताइए बेटा। बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है इधर यहाँ पर, हाँ जी सर। इसकी नेट वेलोसिटी किधर है? आप कहेंगे टू यू कोस थीटा। और किधर, किस डायरेक्शन में? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचिए कि मोमेंटम कंजर्व रहे। शुरुआत में जो मोमेंटम था वो एक्स डायरेक्शन में ही था, हाँ जी। किधर? राइट की तरफ, इधर की तरफ था। मास इन टू वेल्स इधर है, तो बाद का भी इधर की उन तरफ ही होना चाहिए नेट। आप कहेंगे हाँ जी सर इधर होना चाहिए। एक हिस्सा तो रेस्ट में आ गया, तो दूसरा हिस्से की वेलोसिटी पक्की बात आगे तरफ रहेगी, मोमेंटम आगे तरफ ही रहना चाहिए। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो अभी कहानी बस इतनी बच रही है बेटा, किसी हाइट एच से एक आपने ऑब्जेक्ट को आगे तरफ फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से? टू यू कोस थीटा से। वो कितना दूर जा गिरेगा इतना बताना है, बस इतना सा काम। हाँ इतना सही काम, आ जाए जरा थोड़ा सोचते हैं। समझ में आ गई बात भाई? आर बाई टू तो दोनों ही चले, आर बाई टू तो इसमें भी रहेगा, इसमें कुछ समथिंग ऐड और हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ भी जाकर के गिरने वाला। मान लेता हूँ मैं यहाँ कहीं गिरा हुआ, तो जो भी हिस्सा है इसमें ऐड हो रहा वो और ढूंढ लेना हमें। उस हिस्से को कैसे निकाल सकता हूँ थोड़ा सोचिए। काइनेमेटिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। वेलोसिटी है टू यू कोस थीटा। अगर मुझे पता लग जाए कि कितनी देर में नीचे आने वाला है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो मुझे रेंज पता लग जाएगी। आप कहेंगे हाँ। एक्स डैक्स भाई रेंज होती क्या थी सर? एक्स डैक्स में डिस्प्लेसमेंट होता था, अगर ही हो। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो एक्स डैक्स में कोई एक्सलेशन है नहीं, तो एस इक्वल टू यूटी बचेगा बस। वेलोसिटी कितनी? आप कहेंगे सर टू यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम कौन सा? टाइम फ्लाइट? नो, टाइम फ्लाइट तो बेटा यहां से यहां तक का जाने का टाइम होता था, उसका आधा टाइम। हाँ जी उसका आधा टाइम सर। आपको कैसे पता आधा ही टाइम लगेगा बेटा? ये तो हमने काइनेमेटिक्स सारी चीजें पढ़ी है बेटा। आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली कितनी भी वेलोसिटी से फेंक दो, कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, सबका टाइम फ्लाइट सेम रहेगा, सबका टाइम फ्लाइट सेम। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को होने के लिए यहां से ग्राउंड तक जाने के लिए टाइम लग रहा था अगर टी, तो बेटा आधे से यहां तक कितना लगेगा? टी बाई टू। बस वही अप्लाई कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है अप्लाई कर देता हूँ मैं। टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला हमें याद है, बहुत अच्छे से याद है। तो निकाल लीजिए रेंज आर बाई टू प्लस टू यू कोस थेटा बाई टू, ये लीजिए बेटा। और टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला कितना? तो आप कहेंगे टू यू साइन थेटा बाई जी हुआ करता है, ये वाला जो टू है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बराबर आए? आप कहेंगे बराबर आए सर। इस टू से इस टू को उड़ा दीजिए बेटा, ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। टू साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है? साइन टू थीटा। आर बाई टू कैसे लिखा दो? प्लस यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। जरा ध्यान से देखो ये फॉर्मूला, कुछ जाना पहचान लग रहा है सर? ये तो रेंज का फॉर्मूला। हाँ हाँ रेंज का फॉर्मूला है। आंसर कितना हो गया? आर बाई टू प्लस आर, थ्री आर बाई टू। तो बेटा फर्स्ट पार्ट जो है उसका जो रेंज आई है वो कितनी? आर बाई टू। और सेकंड पार्ट की रेंज कितनी आई है? थ्री आर बाई टू। दैट इज आर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, लिख लीजिए आप लोग। इंपल्स कैसे बोलते हैं बेटा? जब ठीक ठाक अमाउंट का फोर्स, या जनरली हमारा फोर्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच रहता है, बहुत ज्यादा फोर्स रहता है, किसी बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए अप्लाई करते हैं, जनरली उसको इंपल्स बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी कील को हथौड़े से ठोक रहा हूं, तो मुझे बताइए जो आपका कील और हथौड़े का कांटेक्ट कितनी देर तक रहेगा? बहुत ही एक मोमेंट के लिए, जस्ट एक मोमेंट के लिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए रहेगा, बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए। और फोर्स कितना रहेगा? बहुत ही अच्छा खासा, ठीक है। आ जाइए कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं, और आसान भाषा में हम यही कह सकते हैं इंपल इंपल्स जो है बेटा चेंज इन मोमेंटम है, ठीक। लेकिन आपको ध्यान रखना है जनरली ये कब होगा, जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। कुछ कुछ पॉइंट लिख लीजिए बेटा। तो इंपल्स इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इंटू टाइम, आसान भाषा में तो यही है। लेकिन याद रहे आपका, और किस डायरेक्शन में रहेगा बेटा? फोर्स इंटू टाइम। टाइम तो किसके लिए? क्वांटिटी है। तो जिधर फोर्स रहेगा उधर ही इंपल्स रहेगा, ऐसा कह दीजिए। जिधर इंपल्स रहेगा उधर ही फोर्स रहेगा, जैसे आपको चाहे वैसे कह दीजिए, ठीक है। इस बात को लिख लेते हैं, क्या है इंपल्स? इंपल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा बेटा,
फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम टाइप ही मिलेगी हमें। अच्छा कैसी क्वांटिटी है? देखिए टाइम स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, तो जे भी कैसी होगी? आप कहेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी होगी ऑब्वियसली। एक पॉइंट और लिखते हैं, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सर डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी तो किस डायरेक्शन में होगी? डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ फोर्स, सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? आपके फोर्स तो होता है न्यूटन में और टाइम क्या होता है सेकंड में, न्यूटन सेकंड। डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन हम सबको याद है एम एल टी माइनस टू, और एक और टाइम है तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगी। ठीक है बेटा, बराबर है सर। आइए जरा इसको समझ भी लेते हैं, ये सही मायने में है क्या चीज। अगर भाई आपका जो टाइम है बहुत ही छोटा है, ठीक, तो बेहतर होगा मैं इंपल्स को लिख लूँ जे इक्वल टू एफ डी टी, छोटा सा टाइम इंटरवल लिख लेता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, एग्री हो आप? हाँ सर बात तो सही है। अगर चेंज मोमेंटम ज़्यादा है तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो सब जगह वैलिड है बेटा। एफ टी और एफ डी टी हम तो जानते हैं भाई, आपका फोर्स वेरिएबल हो सब जगह, ये तो सभी जगह वैलिड होता है इंटीग्रेशन वाला। तो एफ डी टी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, जनरली जनरली फोर्स इक्वल टू क्या होता है आप कहेंगे एम में होता है सर, और एक्सलेशन क्या होता है आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एग्री ना? तो ये लीजिए बेटा डी वी बाई डी टी इंटू डी टी, इस डी टी से डी टी गया, हमारा इम्पल्स इक्वल टू कितना हो गया एम डी वी। मास आपका कांस्टेंट है बाहर रख लेंगे, वेलोसिटी डी वी का इंटीग्रेशन कितना जाएगा वी, और कहाँ से कहाँ तक, यू से लेके वी तक, या वी इनिशियल वी फाइनल, जैसा आप कहना चाहें वैसा कह लीजिए, वी इनिशियल वी फाइनल। तो एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ध्यान से देखो एम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ही लिखा हुआ है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या आप कह दीजिए डेल्टा पी, दिस इज इम्पल्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? और याद रखिए यही हमारी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यही है। क्या कहती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, यही हमारी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी है। इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, आई एम टी, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहती है इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, ये छोटी सी बात लग रही है अभी, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चन करने में और हेल्प करेगी। छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, आई एम टी स्टेट्स दैट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्टेट्स दैट That net impulse is always equal to change in momentum, equal to change in momentum। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमें इम्पल्स देखने को मिलता है वो कैसे कैसे मिलता है बेटा, जैसे अपने फुटबॉल को किक कर दिया, कितने मोमेंट के लिए, तो बहुत छोटे से किक दिया फुटबॉल और मोमेंटम तुरंत चेंज होता है बेटा। और क्या हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल, ताली बजाना, क्लैपिंग, आपके दोनों हाथ कितनी देर के लिए कॉन्टेक्ट में आते हैं, बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए, ठीक है। किसी को चांटा लगाना, स्लैप, आपका जो क्रिकेट खेलते हो आप लोग, बैट और बॉल कितनी देर तक कॉन्टैक्ट में, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, बॉल स्ट्राइक द बैट, ठीक है।
ठीक है बेटा, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं। आ जाइए अब कुछ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाइए करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एच, किसी हाइट से बॉल को रिलीज किया जाए। और मैं मांगे चल रहा हूँ आपका जो कोलिजन है बेटा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है सर ग्राउंड के साथ, ठीक। एच हाइट से छोड़ा गया है, हमने देखा कि भाई हमसे पूछा गया इंपल्स हमें बतानी है, ठीक है। फाइंड इंपल्स डेल्टा पी, डेल्टा पी होता है बेटा इंपल्स तो चेंज इन मोमेंटम होता है जस्ट आफ्टर द कोलिजन एंड जस्ट बिफोर द कोलिजन, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हमें फाइंड करना है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो मैंने आप लोगों को बताया बेटा आपका एनर्जी का लॉस नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहती है। तो बेटा जब ये हाइट एस तक बॉल नीचे गिरती 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 यहां तक पहुंचेगी जस्ट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जो क्या हो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, आप कहेंगे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए से कर सकते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और बी पर जाकर के कोलिजन हो रहा है, ए से बी तक की कहानी है, ठीक है। इनिशियली रिलीज करने का मतलब क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रही होगी तो बेटा वी स्क्वायर इक्वल टू कितना गया टू जी, जी सर एक्सलेशन नीचे की तरफ है ले बेटा माइनस का जी, डिस्प्लेसमेंट होता है एस, एस नीचे की तरफ है तो माइनस का एच, तो बेटा वेलोसिटी हमारे आगे रूट टू जी एच। एग्री हो आप कहेंगे हाँ जी सर। ये वेलोसिटी कौन सी है बेटा बिफोर द कोलिजन ए से बी तक चलने की कहानी है, एग्री आप कहेंगे हाँ जी सर। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ये बॉल टप्पा खा करके बेटा ऐसा समझ लीजिए, इलास्टिक कोलिजन का आसान भाषा में मतलब है अगर बॉल को आपने छोड़ा एच हाइट से तो टप्पा खा के एच हाइट तक ही वापस आ जाएगी, ठीक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक पलक आप कहेंगे हाँ ठीक है सर। तो मैं कह सकता हूँ बेटा आपका जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना कोलिजन के टाइम पर देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ पर आप कहेंगे इसका मास मान लेता हूँ एम है ना, एम के टर्म्स में दे सकते हैं आंसर कोई दिक्कत नहीं, और साथ में इसकी वेलोसिटी कितनी है आप कहेंगे रूट टू जी एच, एग्री आप कहेंगे हाँ जी सर। आइए समझते हैं कहानी को आगे बढ़ते हैं, ये टप्पा खा करके परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो उसी हाइट तक वापस चल जाएगी। आप थोड़ा सोचो बेटा इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी दें ऑब्जेक्ट की ये एच हाइट तक ही चला जाए वापस, बताओ मुझे किसी मास को किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ और हाइट एस तक चला जाए तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू रही होगी, इसको कैसे कैलकुलेट करूँ अगेन वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस टू एस, ये कौन सा हिस्सा कैलकुलेट कर रहा हूँ बी से ए तक की कहानी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर कितनी रहेगी जीरो, इनिशियल मान लेता हूँ यू थी प्लस टू जी, जी नहीं सर माइनस का जी, एस प्लस का एच सर, तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आप कहेंगे सर टू जी एच आ गया फिर से बराबर, तो यू कितना आ गया टू जी एच ही आ गया। मोमेंटम कितना आ गया फाइनल मोमेंटम आप कहेंगे मास की मल्टीप्लाई कर दीजिए यू से, यही फाइनल वेलोसिटी थी कोलिजन के टाइम की बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर नहीं देखना है पॉइंट ए पर नहीं देखनी वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों की दोनों बी पर ही देखनी है क्योंकि बहुत ही छोटा सा आपका जो इंटरवल आया जहां पर ये मोमेंटम का चेंज हुआ वो कब हुआ जो ग्राउंड से टकराई, कहां पर टकराई पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर यानी सरफेस पर जस्ट टकराने से पहले जस्ट टकराने के बाद की कहानी है, तो एम इंटू रूट टू जी एच, ठीक। तो सर ये तो सेम ही मोमेंटम है इनिशियल फाइल आप कहेंगे हाँ ठीक है सर, तो जीरो आएगा आंसर, नहीं बेटा आंसर जीरो नहीं होगा, क्यों सर दोनों को सेम दिख रहा है जरा ध्यान समझो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, आप कहेंगे वेक्टर सर, ठीक। जे इज नथिंग बट डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल कितना सर इतना, आप हम लोग जनरली ऊपर की तरफ की चीजों को पॉजिटिव लेते हैं नीचे की तरफ को जो है वो नेगेटिव, तो ये जो आपका मोमेंटम है किधर है आप कहेंगे अपवर्ड बेटा, ये जो वेलोसिटी है जब स्ट्राइक करने के जस्ट ऊपर की तरफ बॉल चली तो वेलोसिटी किधर थी ऊपर की तरफ, तो एम इंटू रूट टू जी एच एग्री माइनस फाइनल सॉरी इनिशियल, इनिशियल कितना था सर इतना, लेकिन ये मोमेंटम था किधर बेटा आप कहेंगे सर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव, तो एम इंटू रूट टू जी एच, तो कुल मिलाकर के माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटा, जे जो है चेंज इन मोमेंटम कितना आप कहेंगे सर टू एम रूट टू जी एच, समझ में आ गई बात, मोमेंटम का चेंज की डायरेक्शन कितनी है, फाइल किधर है ऊपर की तरफ, इनिशियल किधर था नीचे की तरफ, फाइनल माइनस इनिशियल कितना किधर आएगा ऊपर की तरफ अपवर्ड,
बॉल के ऊपर जो आपका फोर्स लग रहा है या मोमेंटम जो है बेटा, ये मोमेंटम का चेंज हो ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसीलिए ग्राउंड पर फोर्स किधर लेगा, नीचे की तरफ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई है, लिख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फाइंड द इंपल्स ऑन बॉल ड्यू टू फ्लोर, जिसका मास 1 किलोग्राम हमने मान लिया है, बॉल का मास। देखो बेटा जरा ध्यान से देखोगे, इसकी स्पीड जो है पहले 10 थी और बाद में हो गई है 5, ठीक। पहले एंगल जो था आपका 37 डिग्री फ्लोर के साथ था, अब 37 डिग्री आपका वाई एक्सिस नॉर्मल कह दीजिए उसके साथ, डैक्स चीजें बदली हैं, ठीक। आपके यहाँ ये सब चीजें तो बदली हैं, और मेरे ख्याल से दोनों दोनों ही आपके कह सकते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में चेंज हुए हैं। तो हम मोमेंटम को सेपरेटली देखते हैं बेटा क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। चाहो तो एक ही साथ देख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। शुरुआत में आप जरा देखो कि हमारी मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा। आपने ठीक है सर, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो मास बेटा आपका 1 किलोग्राम, जरा वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं जरा ठीक से। आपने ठीक है सर, इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस में रहेगा वो कितना रहेगा? आप कहेंगे वेलोसिटी का कोस 37 डिग्री रहेगा एक्स एक्सिस में, अग्री हो? ये लीजिए बेटा, ठीक। प्लस वेलोसिटी का साइन 37 रहेगा वाई एक्सिस में, लेकिन जरा ध्यान से बेटा डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये जो वेलोसिटी है दो हिस्सों मिलकर बनी हुई है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये वाला एंगल 37, तो इधर हो गया बेटा कोस वाला कंपोनेंट, और वाई का सर नेगेटिव है तो बेहतर होगा, तो यहाँ पर माइनस ये लिखो या फिर यहाँ पर माइनस लगा दो, जैसे आपको ठीक लगे। क्लियर है? हाँ जी सर, समझ में आ गई ये बात। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक। ये भी इनिशियल वाला हिस्सा, इनिशियल मोमेंटम से हमने इसको, इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं इसलिए हमने लिखा। तो 1 तो ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी कितनी है? आप कहेंगे 10, स्टार्टिंग वेलोसिटी थी 10। कोस 37 कितना होता है? 4/5 आई माइनस 10 इंटू साइन 37 इज 3/5 जे। 5 से 2 कितना आ गया? 8i-6j इज द इनिशियल मोमेंटम, ठीक। आप कहेंगे हाँ ठीक, समझ में आ गया। अब जरा फाइनल मोमेंटम देख लेते हैं बेटा, हमसे क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी पूछ सकता है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? अगेन सर मास इनटू वेलोसिटी कर दो फाइनल वाली, ठीक। मास आपका 1 किलोग्राम, 1 से मल्टीप्लाई होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 1 इनटू वी फाइनल, वी फाइनल ही लिखनी है कुल मिलाकर के। तो बात फाइनल वेलोसिटी, बट जरा हमने वेक्टर ऑलरेडी पढ़े होंगे बेटा, ये 5 इधर की तरफ है, इसका एक कम, ये दो दो वेलोसिटी से मिलकर बना हुआ है, ये दो वेलोसिटी से मिलकर बना हुआ है। इधर थी नेट वेलोसिटी, हाँ जी सर, और दो वेलोसिटी एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये 37 वाला कंपोनेंट कौन सा जाएगा? कोस, और किधर है ये वाला 37 बेटा? ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा? सर जे, और इधर वाला साइन कंपोनेंट। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट रहेगा, या साइन 37 कह दीजिए मोरे स्पेसिफिकली इन द डायरेक्शन ऑफ आई, और दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में। दूसरा कंपोनेंट आपका वी कोस 37 जे। क्लियर है? आपने ठीक। अभी वेलोसिटी कितनी थी फाइल? आप कहेंगे 5 थी सर, 5 इंटू साइन 37 इज 3/5 आई, प्लस 5 इंटू कोस 37 4/5 जे। कितना आ गया? 5 से 5 3i+4j, दिस इज द फाइनल मोमेंटम। हमने पढ़ा है IMT क्या कहती है, हमारी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सर आप कहेंगे इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, यही है सर। तो 3i+4j में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8i-6j को, 3i-8i, आई वाले कंपोनेंट एक साथ, कितना? माइनस का 5i, और ये कितना? 4 6 10 प्लस का 10j, दिस इज द इंपल्स, ठीक है। अब हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि बॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। हमें ये सब ना करवा करके, आपसे इंपल्स ना पूछ करके पूछ देता बॉल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉल किधर हो जाएगा? सर इसी डायरेक्शन में, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, कितना हो जाएगा? 5 को कॉमन ले लो, माइनस का i+2j है, कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड?
आप कहेंगे मैग्नीट्यूड एरिया 5 तो आ ही जाएगा, 1 प्लस रूट 5 ये मर जाएगा, ये दिस विल बी द डायरेक्शन। आपसे ये पूछ सकता था कि फोर्स ऑन द फ्लोर किधर लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली इसका अपोजिट, ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इसका नेगेटिव माइनस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। बात मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। सुनिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया मोमेंटम का चेंज वगैरह वगैरह इतना आया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वगैरह सब समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन फोर्स जिम्मेदार रहेंगे इस सबको कराने के लिए, भाई फोर्स की वजह से ही आपका मोमेंटम हुआ, ऐसा बोल दीजिए चेंज इन मोमेंटम वही हमारा इंपल्स होता है, फोर्स की वजह से ही होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर सही बात है। तो अगर मैं बात करूँ वाई डायरेक्शन, यानी वाई डायरेक्शन से मतलब है सरफेस के नॉर्मल के अलोंग, जो भी चेंजेस कर रहा होगा ऑब्जेक्ट सरफेस पर टकराया और ऐसे भाग गया, तो इसके अलोंग जो भी फोर्स होगा बेटा, जो मोमेंटम का चेंज है, मोमेंटम का चेंज है जो वाई एक्सिस में, ठीक है बेटा, डेल्टा पी कह दूं मैं अलोंग वाई एक्सिस, कौन जिम्मेदार होगा, फोर्स इन वाई एक्सिस ही होगा ऑब्वियसली सर। आप कहें हाँ जी सर कौन सा फोर्स जिम्मेदार होगा, समझ में आता है सर नॉर्मल फोर्स जिम्मेदार होगा इसके लिए, जो आपका इंपल्स जनरेट हुई है वाई डायरेक्शन में, ऐसा कह दीजिए मोमेंटम का जो चेंज हुआ है वाई डायरेक्शन में, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, आप कहेंगे उस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, क्योंकि हमारे तो आईएमटी थ्योरम ही यही कह रही थी चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एग्री। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो नॉर्मल फोर्स जिम्मेदार है आपका वाई डायरेक्शन में मोमेंटम या वेलोसिटी चेंज करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा कि जो मोमेंटम का चेंज हुआ है एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, उसको भी देख लो भाई, मोमेंटम का चेंज जो है आपका एक्स डायरेक्शन में 8i से चेंज होकर के 3i हो गया, एग्री। तो जब माइनस 5i कंपोनेंट है, ये कौन सा एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम का चेंज है। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में इतना था और बाद में 4j हो गया, तो 10j आपका मोमेंटम चेंज हुआ वाई डायरेक्शन में, एग्री। सर वाई डायरेक्शन वाला तो हमें समझ में आता है, जे वाला कंपोनेंट तो समझ में आ गया नॉर्मल फोर्स जिम्मेदार होगा, लेकिन एक्स जो डायरेक्शन में चेंज हुआ मोमेंटम, इसके लिए कौन जिम्मेदार रहा होगा, कौन पॉसिबल हो सकता है जिम्मेदार, मतलब भाई अगर एक्स डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली बेटा फ्रिक्शन ही रहा होगा, फ्रिक्शन हमारा सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल लगता है, एग्री हो, तो पक्की बात है इसको किसने चेंज किया होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और तो कोई फोर्स अभी नहीं पड़ा इस तरह का, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमारा जिम्मेदार रहा होगा। ये बात समझ में आई, आप कहेंगे हाँ समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन का लेवल और हल्का सा राइज करते हैं, ठीक। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर ऐसा हुआ है और मैं आपको ये गाइड ये हमें पता लग गया कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, आपको कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इस सरफेस के ऊपर म्यू होगा कुछ, उस म्यू की वैल्यू बतानी है, सोचिए और कोशिश कीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। चलिए बेटा इसको इससे को कोशिश करते हैं, फाइंड द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सरफेस, कोशिश करते हैं हो जाए, ठीक ठीक है सर। मैं पूछूं बेटा जो इम्पल्स होगा विच इज नथिंग बट जे इज नथिंग बट आपका चेंज इन मोमेंटम, मैं एक्स डायरेक्शन का लिख रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन का यही होगा, आप कहेंगे हाँ जी सर। इसको हमने ये भी लिखा था जब स्टार्टिंग की थी इंपल्स की, तो आप कहेंगे सर इसको एफ डी टी भी लिख लेते हैं, एग्री। हाँ जी सर, कौन सा फोर्स जिम्मेदार है इसके लिए, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को जनरली मैं स्मॉल एफ से इंडिकेट करता हूँ, और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, आप कहेंगे म्यू इन टू एन डी टी ए होता है, ये होता है बेटा, आप कहेंगे हाँ जी सर बात सारी बातें ठीक है बेटा, एफ डी टी इंटीग्रेशन म्यू बाहर पटक सकता हूँ मैं, ये लो बेटा अंदर छोड़ दिया मैंने NDT, एक तो इक्वेशन हो गई ये, एग्री। आप कहेंगे हाँ ठीक है। इस तरह पूछो बेटा इंपल्स जो J है वो वाई डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में आपने चेंज इन इंपल्स इन वाई डायरेक्शन इज नथिंग बट कौन जिम्मेदार है इसका इंपल्स पैदा करने के लिए, आप कहेंगे क्या नॉर्मल फोर्स NDT, ये आ गया इक्वेशन नंबर टू। क्या चेंज इन मोमेंटम आपका एक्स डायरेक्शन में पता है, आप कहेंगे हाँ लिखा है, ये रहा सर कितना है, प्लस फाइव माइनस फाइव, इसी चक्कर इसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे जब अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो कितना आ जाएगा सर, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, ये जाएगा। और जरा ध्यान से देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ NDT, इंटीग्रेशन ऑफ NDT मारा जाएगा, ये म्यू NDT और नीचे भी यहाँ पर आपका NDT आ रहा है, तो मारा जाएगा, क्या बचेगा आपका, म्यू ही बचेगा क्या आपके, ना जी सर याद रहे चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन कितना है, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन सर अभी तो किया था हमने, कितना है बेटा माइनस फाइव, ये लो बेटा माइनस फाइव डिवाइड बाई चेंज इन मोमेंटम इन आपका वाई डायरेक्शन, आप कहेंगे सर टेन, ये लो बेटा टेन। अब
प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि हमारा कोफिशेंट ऑफ फ्रैक्शन तो सदा पॉजिटिव ही होता है। तो कितना आ गया बेटा म्यू 5/10 विच इज नथिंग बट 0.5। सर ऐसे क्वेश्चन भी, हाँ बेटा एडवांस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए क्लास बेटा हम यहीं पर एंड करेंगे।